नरम मिजाज, सादी जिंदगी और एक मजबूत व्यक्तित्व। रतन टाटा की शख्सियत कुछ ऐसे ही थी। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कितने बेहतरीन इंसान थे, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, वो हर एक घायल व्यक्ति से मिलने उनके घर और अस्पताल गए। आज हम आपको रतन टाटा का वही किस्सा सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। देश में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में करीब 160 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी आर्मी के संरक्षण में तैयार 10 लश्कर आतंकी पाकिस्तान के कराची से पानी के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में एंट्री के बाद इन आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज होटल, कैफे लियोपोल्ड, छाबड़ हाउस, रंग भवन लेन और सेंट जेवियर कॉलेज को निशाना बनाया। 100 साल से भी पुराने ताज होटल में हुए हमले में करीब 31 लोग मारे गए। ताज होटल के मुखिया रतन टाटा हमले के दौरान कई बार होटल के पास नजर आए और उनको इस दौरान काफी परेशान देखा गया। नेशनल ज्योग्राफी इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें हमले के दिन किसी का कॉल आया था कि होटल में गोलीबारी हुई है। वो बताते हैं, मैंने ताज के स्टाफ को कॉल किया, उधर से मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया। ये एक अजीब बात थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं था। मैंने अपनी कार निकाली और मैं ताज पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने मुझे रोक दिया क्योंकि वहां गोलीबारी जारी थी। रतन टाटा ये बताते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ, तब होटल में तकरीबन 300 गेस्ट थे, रेस्टोरेंट भरे हुए थे और वहां मौजूद स्टाफ ने सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाने की पूरी कोशिश की और इस दौरान कई मारे भी गए। उन 3 दिन और 3 रातों के लिए रतन टाटा ताज के मैनेजमेंट के साथ डटकर खड़े रहे। टाटा ग्रुप के मुखिया रतन टाटा इस घटना से काफी आहत हुए थे। हमले के दौरान वो होटल के पास बेचैन नजर आते थे और ताज होटल को इस हमले से जान के साथ साथ अरबों का नुकसान भी हुआ था। हमले के बाद होटल को दोबारा बनाए जाने के लिए करीब 4 अरब रुपए खर्च हुए थे। रतन टाटा ने होटल ताज में मारे गए 31 कर्मचारी और मेहमानों की याद में साल 2009 में एक 12 फीट ऊंची स्मारक का अनावरण किया था, जिस पर उनके नाम को अंकित किया गया है। 26/11 आतंकी हमले के बाद ताज होटल के सुरक्षा कवच को और भी ज्यादा मजबूत किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीकी को शामिल किया गया। रतन टाटा ने एक समारोह के दौरान मुंबई हमले को याद करते हुए ये भी कहा था कि मैं इतना आहत हुआ था कि मेरी आवाज खराब हो गई थी, जिसे ठीक होने में 6 महीने लग गए थे। मैं उन सभी लोगों से मिलने हॉस्पिटल और घर गया जो हमले में घायल हुए थे। उनमें से ज्यादातर लोगों का बिल तक भरने वाला कोई नहीं था। मैंने मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाकर मदद पहुंचाने की कोशिश की। मुंबई पर हुए इस हमले से पूरा शहर कांप उठा था। कभी न थमने वाली मुंबई कई दिनों तक ठप हो गई थी और इस तरह रतन टाटा ने पीड़ितों का इलाज करवाया था और उनको पैसे देकर मदद की थी। बहरहाल, आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।